एशिया का सबसे बड़ा स्टील मार्केट और चार तालुका के परिवहन का सारा कार्यभार संभालने वाला पनवेल परिवहन कार्यालय, इन दोनों का अति महत्वपूर्ण स्थान है जहां आने वाले वाहनों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पास के ही कलम्बोली शहर में रहने वाले वाहन और यहां के सर्विस रोड पर आने वाले बड़े ट्रेलर के कारण यह छोटे मोटे अपघात घटते रहते हैं जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसा है कि इधर जो पार्किंग है, जो ये दो दो लाइन लगा दिए हैं ट्रक का, इसके वजह से कार बाइक वाले लोग को बहुत तकलीफ होता है। बाकी इधर ITO भी चालू कर दिए, इनको पार्किंग को जगह है नहीं, किधर भी गाड़ियाँ खड़ा कर देते हैं लोग, इसके वजह से बाकी फोर व्हीलर टू व्हीलर वाले लोग को बहुत तकलीफ होता है। बाकी ये ITO इधर हटा के दूसरे जगह इनको करना चाहिए, या तो ये ट्रक का जो ट्रक टर्मिनल है उधर पार्किंग में इनको डालने को चाहिए। ITO ऑफिस कलंबोली येथे सध्या परिस्थितीत पार्किंगची सुविधा नाही आहे। पार्किंग बाबत कुठेही गाडी पार्किंग करावी काय अशी कोणतीही सुविधा ITO ऑफिस कलंबोलीला नाही आहे। त्याबाबत ITOनी कमीत कमी पार्किंगची सुविधा करून द्यावी, ट्रक टर्मिनल आणि दुसरी गोष्ट अशी का मोठा स्टील मार्केट या ठिकाणी असल्यामुळे मोठ्या गाड्यांचा राबता इथं जास्त आहे, त्याच्यामुळे पार्किंगची सुविधा होण्याबाबत। ज्यादातर यहाँ वाहन चालकों में गर्मागर्मी होती रहती है, इसलिए यहाँ के नागरिक बड़ी गाड़ियों के लिए स्वतंत्र पार्किंग की व्यवस्था किए जाने की मांग कर रहे हैं और यहाँ होने वाले एक्सीडेंट को रोकने के लिए महत्वपूर्ण जगहों पर कड़ी पुलिस तैनाती की मांग कर रहे हैं। पहले तो पेन ITO पहले होता, नंतर पनवेल झाला। पनवेल झाल्यापासून आम्ही सतत या ठिकाणी येतोय जातोय आणि लोखंड बाजार या ठिकाणी असल्यामुळे इथं खूप मोठ्या प्रमाणे ट्रेलर येतात, 40 फुटी 20 फुटी, त्यांना फिरवायला जागा नसते, त्या ITOला पार्किंगला स्वतःला जागा नाही आहे, प्लस त्यांची टोचन करून आणलेल्या गाड्यांसाठी जागा नाही आहे। मग इथे येणाऱ्या कामांसाठी निमित्तानं किंवा कशासाठी या ठिकाणी कशा पण गाड्या लावून झाल्या जातात, त्यात येणारे हे मोठे ट्रेलर्स त्या ठिकाणी घासाघास होते किंवा ठोकले जातं, अपघात होतात, मागच्या डबाला कधी बाईकवाल्याला उडवला, इथे खूप मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाला। असे इथं पार्किंगला जागा नाही आणि मोठे ट्रेलर वगैरे लागतात, कशाही पद्धतीने लावून जातात, गाड्या घासल्या जातात, ठोकल्या जातात, भविष्यात मागच्या टायमात पण अपघात झाले आणि भविष्यात याचा खूप मोठ्या प्रमाणात अपघात होण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून ITOने पण अशा ठिकाणी की बाबा या ठिकाणी येणारे काम लोकांसाठी व कुठेतरी पार्किंग असावी, या ट्रेलरसाठी सर्व व्यवस्थित कुठेतरी असावं आणि येणार जाण्यासाठी लोकांना नागरिकांना या आम्ही इथले स्थानिक आहोत, स्थानिकांना इथं जाता येता एवढा त्रास होतो की जवळजवळ बराच वेळ लागतो। या ठिकाणी हा रोड आहे, या मेन रोडला कुठं ट्रॅफिक झाली की मग इकडनं वाहने धावतात। तो वही इस विषय पर कलम्बोली परिवहन पुलिस विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप जगदाले से पूछे जाने पर इन्होंने कैमरा के सामने बोलने से इनकार कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल जयपाल के साथ योगेश पाटिल की रिपोर्ट।